देश में पिछले 24 घंटे में 24,354 नए केस दर्ज हुए, 234 लोगों की मौत, एक्टिव केस घटकर 2,73,889 हुए। आज पीएम मोदी करेंगे जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष का शुभारंभ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी शुरुआत, देश भर की ग्राम पंचायतों और पानी समितियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने किया नमन, राजघाट और विजय घाट पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी की 192वीं जयंती पर सीएम धामी ने जरूरतमंद लोगों के लिए राशन वितरण करने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। आज मुजफ्फरनगर आएंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को नमन करेंगे। गांधी जयंती पर राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि अर्पित की, बापू के सत्याग्रह को किसान आंदोलन से जोड़ा। 11 अक्टूबर तक सपा के जवाब का इंतजार करेंगे प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव, गठबंधन पर नहीं मिला जवाब तो दूसरे विकल्प पर करेंगे विचार। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत मामले में खुदकुशी के 72 दिन पहले हुए महंत की कार का एक्सीडेंट भी सीबीआई जांच के दायरे में आएगा। नरेंद्र गिरी मौत मामले में महंत के सेवादारों पर सीबीआई कस सकती है शिकंजा, मुख्य आरोपी आनंद गिरी ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मांगी नरेंद्र गिरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मुरादाबाद में सपा नेता पर जानलेवा हमला, बाइक सवार बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। कानपुर में बीच बाजार में बदमाशों ने सपा नेता की गोली मारकर हत्या की, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर के फजलगंज इलाके में ट्रिपल मर्डर से मचा हड़कंप, पति पत्नी और बेटे की निर्मम हत्या की गई। अयोध्या के संत परमहंस के पास चाकू लेकर गए दो युवक गिरफ्तार किए गए, पुलिस ने कहा हमले जैसी कोई बात नहीं। गाजियाबाद में लूटकर सोसाइटी में घुसे बदमाश ने सिर मारकर तोड़ा शीशा, बचने के लिए खुद काटी नस। अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ट्रॉमा सेंटर के वार्ड में भर्ती मानसिक दिव्यांग युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को दिया गया अंजाम। गोरखपुर में कल हुए मॉडल शॉप में वेटर की हत्या मामले में हिरासत में लिए गए तीन लोग, सीओ को हटाया गया, थानाध्यक्ष भी लाइन हाजिर किए गए। पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती की सरकार में यूपी में नीलाम हुई चीनी मिलों पर, प्रवर्तन निदेशालय की टीम की छापेमारी, निदेशालय से आए अधिकारी अजय गुप्ता के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी की। पिथौरागढ़ में बारिश होने की वजह से सड़क फिर से ध्वस्त हुई है, सड़क बंद होने से लोगों को हो रही है परेशानी। बड़ा इमाम बाड़ा में डांस करने का मामला, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने जांच के बाद कार्रवाई के दिए निर्देश। मथुरा में डेंगू के 19 नए मरीज आए सामने, स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रही गंदगी पर नहीं दे रहा है ध्यान। जालौन में ऐतिहासिक अनुष्ठानी रामलीला का विधि विधान के साथ शुभारंभ किया गया, कोंच नगर की 169 साल पुरानी रामलीला लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है दर्ज। भारत और नेपाल के पड़ोसी देश चीन ने नेपाल की सैकड़ों हेक्टेयर जमीन पर जमाया कब्जा, इसके विरोध में काठमांडू में सड़कों पर निकले युवाओं ने चीन गो बैक के लगाए नारे। पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर से हुई बढ़ोतरी, दिल्ली में पेट्रोल 25 पैसे और डीजल 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। आईपीएल 2021 में आज पिछले सीजन की विजेता मुंबई इंडियंस और उपविजेता दिल्ली कैपिटल की होगी टक्कर, प्लेऑफ में पहुंचने के लिए मुंबई इंडियंस को दिल्ली के खिलाफ हर हाल में चाहिए जीत। आईपीएल 2021 का 47वां मुकाबला राजस्थान रॉयल और चेन्नई सुपर किंग के बीच आज है, अबू धाबी में शेख जायद स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच।